विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी गोरखपुर शाखा और सरस्वती विद्या मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में एक संगोष्ठी का आयोजन आर्यनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मेजर ए के चतुर्वेदी, प्रोफेसर विनोद सोलंकी, शिवाजी सिंह, शिवन पूजन सिंह, रेखा दुबे सहित कई शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए छात्र छात्राओं को उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँ कम न कर, कभी कम न कर, जिससे कि अगले दिन सुबह जब शीशे में चेहरा देखूँ तो उसमें मुझे किसी काम चोर का, समय चोर का या किसी भ्रष्ट व्यक्ति का चेहरा न दिखाई पड़े। हो सकता है जीवन में बहुत से ऐसे मौके आए होंगे तो मुझे काम मिला मैं पूरा ना कर सकूँ, लेकिन वो प्रयास के लिए नहीं था, वो सिर्फ शायद मैं सक्षम नहीं था उसको करने का। अश्विन जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा बोला। इसके पहले भी मैं अपने विचार प्रकट करूँ, मैं उन छात्राओं को जिन्होंने सरस्वती वंदना और इस छात्र ने इतना बढ़िया देश भक्ति किया बहुत बहुत बधाई शाबाश। मेरे विचार से स्वामी जी एक ऐसी प्रतिभा के धनी थे जो शायद देखने में नहीं मिलती। बचपन में दृष्टान में नहीं पढ़ रहा था कि एक बार किसी ने उनको बोला कि इस पेड़ पर परिमा चढ़ना, बच्चे अगर पेड़ पर चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे क्योंकि इस पर एक भूत रहता है। स्वामी जी उसी पेड़ पर चढ़े और उन्होंने कहा यहाँ कोई भूत नहीं। ये जो निर्भीक होने की एक उनके अंदर जज्बा था, मुझे लगता है कि आज इसकी बहुत आवश्यकता है। हम सभी में ये बहुत आवश्यकता है कि हम लोग निर्भीक, निडर और अपने विचार को प्रकट करने के लिए तैयार हैं। हमको बहुत से लोग, मैं खासतौर पर छात्रों से कहना चाहूँगा, हमको बहुत से लोग ये ऐसा नहीं होता, ये जीवन में इस तरह से नहीं बात चलती है, समाज के कुछ नॉर्म है, नहीं, जो न्यायोचित है, जो आपको उचित लगता है, जिसको आपका दिल गवाही देता है, उसके लिए कभी मत डरो। जो निर्भीक होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी की बहू की प्रतिभा में एक का जो हम लोग बहुत कम विचार करते हैं, संगीत के प्रति उनकी अप्रोच। स्वामी जी इतिहास के बहुत बड़े ज्ञानी थे। एक बार किसी एक स्वीडिश व्यक्ति से उनकी बातचीत हो रही थी स्वीडन के इतिहास के बारे में। स्वामी जी ने कुछ कहा लेकिन वो व्यक्ति उस पर तैयार था, वो भी अपने को ज्ञानी समझता था, भाई मैं स्वीडन का हूँ, मुझे अगर मेरे भारत का इतिहास नहीं पता होगा तो ये एक विदेश थे, एक ऐसे देश थे जहाँ पर उस वक्त ये धारणा थी कि भारत का मतलब सपेरे और मदारियों का देश है। ये जो उन्होंने कहा साथ साथ नहीं एंड हो गया, लेकिन श्री कृष्ण ने जाके फिर चेक किया तो उसने पाया कि जो स्वामी जी कह रहे थे वही सत्य है। पर ये उसका बड़ा पत्थर था कि उसने स्वामी जी से कहा जो आप कह रहे हो ठीक है। तो ज्ञान जो है इसको जितना अर्जित किया जाए, याद रखिएगा अंग्रेजी में कौन कहा इंटेलेक्चुअल पावर इज द रियल पावर एंड रेस्ट इज वर्चुअल पावर। किसी भी देश का आप देखिए कि एक हजार तक तकरीबन 1000 साल तक 1800 से लेकर 1947 तक के देश गुलाम रहा, लेकिन हमारी सभ्यता का ये शक्ति है कि हमको लोगों ने बहुत प्रयास किया कि हम विश्व गुरु के पद से हट जाएं, लेकिन आज भी चाहे वो योगा हो, योग हर छात्र के लिए, हर छात्रा के लिए वो ज्ञान अर्जन एंड जीवन पर्यंत चलता रहता है।